हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज मैं सीडॉल फिश की चटनी बनाने जा रही हूँ, जो कि ड्राई फिश है। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग ने इसको खा चुके हैं बहुत लोग, एंड बहुत लोगों को नहीं पता इसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे बनाते हैं। तो जिसको नहीं पता, आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं मैं कैसे बनाऊंगी। मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बारिश लगी है एंड इस मौसम में तो ये डिश सबसे मस्त होगा। तो चलिए फिर बाहर का नज़ारा मैं दिखाती हूँ। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, क्योंकि बहुत बारिश होके रखा है कल रात से। आप देख सकते हो पूरा ज़ोर से बारिश हो रहा है, एंड इस मौसम में तो ये चटनी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। चलिए फिर बनाते। आज मैं बनाने जा रही हूँ सीडॉल फिश की चटनी, जो कि ड्राई फिश है। इसको मैंने अच्छे से छिलका निकाल के गर्म पानी से के साथ धो दिया है। दो ऑनियन लिया है बड़ा साइज का, एंड टमाटर, मिर्ची, एंड ये जो रेडीमेड मैंने ऑलरेडी करके रखा है पेस्ट, लहसुन अदरक एंड मिर्ची का पेस्ट चाहिए, और नमक स्वाद अनुसार दे देंगे। सिर्फ इतना सारे ही चाहिए सामान, ज़्यादा कुछ नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी हीट कर लिया है कढ़ाई को, आप देख सकते हो थोड़ा धुआं निकल रहा है। अब इसमें हम लोग डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि दूसरा ऑयल देना नहीं होता है, सिर्फ सरसों का तेल ही इसमें इस्तेमाल होता है। मैं डालूँगी ऑनियन, एंड अभी जो मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, ये चटनी, ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है। जब भी बुखार होता है तो ये चटनी बना के गरम चावल के साथ आप लोग खा सकते हो, एंड बहुत सी बीमारी का इलाज भी होता है इसका, फ़ायदेमंद है ये जो मैं ड्राई फिश बना रही हूँ। थोड़ा स्मेल, जो उसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बहुत लोग उसको पसंद नहीं, क्योंकि सूखा मछली किसी को पसंद नहीं होता है, बट आई लव ड्राई फिश, एंड मेरे घर में बहुत लोगों को पसंद नहीं है। भैया तो खाते नहीं है, सिर्फ मैं खाती हूँ, एंड थोड़ा बहुत मम्मी खा लेती है कभी कभार। एंड जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होगा, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। एंड ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हो कलर बहुत ही मस्त आया है। एंड अभी टमाटर एंड मिर्ची डाल देंगे, इसको भी गलने तक अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। इसमें गलने के लिए नमक दे देंगे, नमक स्वाद अनुसार करके फ्राई करेंगे जब तक ये गल नहीं जाता है। बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 to 15 मिनट्स लगेगा अगर हाई फ्लेम में बनाएंगे। मैं लो हीट में बनाती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें पेस्ट डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी इसमें हल्दी जाएगा, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने वो जो मछली सीडॉल फिश नहीं दिया है, थोड़ा टाइम के बाद देंगे, अच्छे से इसको और पकने के लिए देंगे। ये आप देख सकते हो अच्छे से गल रहा है, उसको और थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे। चटनी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम लोग तीखा लाल यूज करेंगे।
चटनी को स्पाइसी बनाने के लिए हम लोग तीखा लाल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ठंड के टाइम में स्पाइसी खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। फाइनल इंग्रेडिएंट जो है ये मछली, अभी हम यहाँ इसमें डाल देंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट मिक्स होके गल चुका है, और फिश को मछली को गल को अच्छे से तोड़ देंगे, गलने के लिए देंगे। एंड इसका जो कलर देख रही हो ये थोड़ा मतलब और थोड़ा ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा, लाल टाइप का। इसको और अच्छा सा कलर बनाने के लिए हम लोग को और अच्छा से पकाना होगा, तभी इसका टेस्ट जो है और निखर के आएगा। हिंदी गलत भी हो सकता है क्योंकि आप लोग को मोस्टली पता ही है मेरा हिंदी इतनी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छा बोलने के लिए हिंदी में, जो मेरा पब्लिक है व्यूअर्स सॉरी। इसको और अच्छे से गलने के लिए देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है और अच्छा हो। पहले जो कलर था थोड़ा दूसरा था ना, अभी आप देख सकते हो उसका थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है, उसका और भी कलर और निखर के आएगा, आप लोग देखते रहिए। अच्छे से गलने के लिए देंगे, ऐसे करके अच्छे से मिक्स होने दीजिएगा, प्रेस कर दीजिए सब कुछ ही ऐसे ऐसे। तो बिल्कुल ही लो हीट में बना रही हूँ मैं। एंड फाइनली ये ऑलमोस्ट हो गया है, इट्स डन। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर है, एंड टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी है, मैंने थोड़ा चख कर देखा था, इट्स वेरी यम्मी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, जरूर से बनाइएगा घर पे। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हो आज का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, टेक केयर, बाय।